आज हम आए हैं मुमरा के नूरानी होटल के पास, आफरीन बिल्डिंग के पास, जहाँ पर हर साल की तरह अपनी कम्युनिटी ने जश्न मिलादुन्नबी की खुशियाँ मनाने के लिए जो स्टेज लगते हैं वो हर साल की तरह इस साल भी लगाए हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कैसे शुरुआत की और क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे मुमरा कौसा के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी कम्युनिटी की ओर से मुमरा वासियों की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब मुसलमानों को और मुमरा वासियों को हमारी तरफ से ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद सबसे पहले। और लगभग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को तकरीबन 6 साल हो गया है ये माशाल्लाह सेटअप का काम करते हुए, जो डेकोरेशन का करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है हम लोग को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम लोग से ये काम ले रहा है हम गुनहगारों से, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाब करते हैं। और जैसा कि आप और भी जगह पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान है जो स्टेज बनाते हैं और मेहनत करते हैं और कामयाब अल्लाह ताला उसको करता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अपनी कमेटी जो हम लोग ये आफरीन की है, कि हम उमरा वालों से यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो ये हम लोग ने और जितने तमाम लोगों ये इसके पीछे मेहनत करते, इसको आप लोग भी और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के इसमें आगे मिलजुल कर एक साथ में होके काम करें। और जो चीज़ ये चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसको रुकने ना दे हर साल, जैसे कि लोग आप देख रहे हैं कि मुमरा में तादाद भी बढ़ रही है लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। तो हम लोग की ये दिली ख्वाहिश ये है कि इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो चीज़ें हो रही हैं उसको इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए भी इसको ज़िंदा रखें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इसको ईद मिलादुन्नबी की जो जज्बा और जो खुशी है वो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये कायम रखें। आमीन। ये हमारे आसिफ भाई है, ये जो आप पीछे सेटअप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत इनकी है और इनके साथ में जितने भी जुड़े हैं वो सबकी है। ये हमारे इलेक्ट्रिशियन है शाहरुख भाई, ये है हमारे दूसरे शाहरुख भाई, ये सब पूरी कमेटी वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग से भी दुआ है, हर एक दोस्त से दुआ है कि दुआ करे अल्लाह पाक हमसे हर साल इसी तरह काम लेवे और हमारी नस्लों को अल्लाह पाक जो शातिराना अंदाज से हमारे कौम पे जो जुल्म होने के लिए जो लोग बैठे हैं फिराक में हैं, अल्लाह ताला उनको जेर करे, उनके जो जुल्म क्या है अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने कीमती समय हमें दिया। हम उम्मीद करते हैं आपकी इस बातों से मुमरावासी ज़रूर ना ज़रूर आगे ऊपर जाकर कोई अमल पर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज हम आए हैं मुमरा के चांद नगर परिसर में, जहाँ पर लगभग काफ़ी सालों से जश्न मिलादुल नबी की जो खुशियाँ है वो मनाते हैं लोग। आइए इनसे जानते हैं कि कितने सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मुमरा वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। आपकी कमेटी का नाम? 92 ग्रुप, ग्रुप रज़ाए मुस्तफ़ा, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी का नाम है हमारा भाई, ग्रुप 92। भाई आप लोग कितने साल से ये जश्न मिलाद का जो त्यौहार है इसमें अपनी खुशियाँ बांट रहे? 2011 से हम लोग स्टार्ट है, 9 साल हो गया हमारे को। और हमारा एक ही मकसद है कि ये ईद उल नबी की जो हमारा ये है, हम लोग चाहते हैं कि आगे से आगे हमारा जुलूस बढ़े और यही हमारा एक मकसद है जो आज तक हम लोग 2011 से ये मकसद को लेके चल रहे। हमारे मुमरा कमेटी के जो मोइन मियाँ जो है हमारे, हम उनसे एक ही गुजारिश करते हैं कि हमारे जुलूस को आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करावे। भाई एक सवाल और, आने वाली मुमरा की पीढ़ी के लिए आपको संदेश देना चाहोगे जो यूथ जनरेशन है आने के उनके लिए? यूथ जनरेशन से तो बस यही है क्या, मतलब जो हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं, देखो फिर इंशाल्लाह कोशिश करो, हिम्मत करो। अगर जैसे कि न्यू जनरेशन हिम्मत करती है तो हम लोग तो ही है साथ देने के लिए, इंशाल्लाह उनका भी साथ देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस को आगे बढ़ाओ। अभी पिछले लगभग 3 साल पहले तो आप देखोगे, 3-4 साल पहले तक तो हम लोग का एंड था, हम लोग के आगे जुलूस जाता ही नहीं था। अभी माशाल्लाह से रशीद कंपाउंड में भी, यहाँ तक के शिबली नगर तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि लोगों से कि आगे तक जाओ, सिल्फ वाटर जाओ, जुलूस भी जो ट्रकें निकलती है तनवर नगर तक यूटर्न ले लेती है, तो लोगों को देखने का मौका भी मिले और आगे तक आवे। बेशक हम उम्मीद करते हैं खास करके हमारे मुसलमान जो रहनुमा है उनसे, मोइन मियाँ की कमेटी से, कि इस चीज़ पर ज़्यादा गौर फरमाए, जुलूस कमेटी वाले इस चीज़ पर गौर फरमाए कि ये जो जुलूस तनवर नगर तक के सीमित है इसकी सीमा को बढ़ाया जाए। शिबली नगर तक के लोग रहते हैं और उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए इस चीज़ में शरीक होने के लिए। शिबली नगर साइड में भी बच्चे लोग हैं जो, वो लोग भी बहुत धूमधाम से शौक से सेट बनाते हैं, वो लोग भी जुलूस निकालते हैं। वो लोग लाए थे पिछले टाइम में भी 2-3 बार आए भाई, बोले हम लोग सेट बनाते हैं, हमारे मोहल्ले वाले ही देखते।
कोई एक भी मुमरा वाला वहाँ तक आता नहीं। फाटा से अलग जुलूस निकलता माशाल्लाह, अभी कल्याण फाटा से भी आते, उत्तर जू से भी आती है पब्लिक। यानी पहला भाई 2011 में ना जुलूस है ना, नामो निशान नहीं था, कब्रस्तान पे जुलूस की गाड़ी नहीं आती थी, तो वो देख के हम लोग ने साइड रखे यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अभी साइड है ना रशीद कंपाउंड के नाके भी 4-5 साल से बनने लगा है। तो हम लोग की एक रिक्वेस्ट है जुलूस कमेटी से कम अगर तुम तन्नो नगर तक ला रहे हो वही जुलूस कम से कम कंपाउंड सिबली नगर तक ले जाओ, मेहरबानी होगी उनसे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ के लिए। भाई एक सवाल और, जैसे हमें पता चला कि अभी मुमरा में जो ट्रैफिक का मसले को देखते हुए रोड पर जो खड्डे थे वो म्यूनसिपालिटी महानगर पालिका ने रात में भरे और साथ साथ में पार्किंग को भी लेकर काफ़ी आवाज़ें लोग उठा रहे, तो इस सिलसिले में आपको मैसेज देना चाहोगे? सिलसिले में कैसा भाई बोला, पार्किंग का तो ऐसा मसला है ना भाई, हम लोग ने कंटिन्यू है ना वहाँ पे एप्लीकेशन डाले, बहुत बार फॉर्म यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ सबमिट करने का वहाँ करे, लेकिन यहाँ पार्किंग का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई हटाता नहीं है, कोई पुलिस वाला घूमता नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तुम यही चीज़ है ना, मुंबई की वीडियो देख लो, जहाँ जहाँ जो गली में जुलूस जाएगा तुम्हारे को एक बाइक भी खड़े करने का वहाँ अलाउड नहीं रहती है वहाँ की पुलिस बराबर। और तुम मुमरा में देख लो, तुम दुनिया की गाड़ियाँ खड़ी है, रिक्शा खड़ी है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, आरटीओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तुम्हारे को मांगता है शाम को एक वीडियो डाल लो रोड की, कितनी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही, कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है, शाम को 5 बजे आपको सब मालूम पड़ जाएगा मुमरा का क्या हाल है, समझे? हम उम्मीद करते हैं मुमरा आरटीओ से और महानगर पालिका से कि ट्रैफिक के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान दे, खास करके जो गाड़ियाँ पार्किंग है, पार्किंग की गाड़ियाँ को लेकर के एक नया मुद्दा आ रहा है कि उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों के कीमती समय के लिए। रजा मुस्तफ़ा ग्रुप 92 के तरफ से सारे मुमरा को ईद उल नबी के जश्न की मुबारकबाद देना चाहते हैं। वही बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। दोस्तों आज हम आए हैं मुमरा के रशीद कंपाउंड परिसर में, जहाँ पर जश्न मिलाद उल नबी की जो लोगों में खुशियाँ रहती है उन खुशियों के बारे में आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो लोग इस ताल्लुक से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे मुमरा कौसा की आने वाली पीढ़ी को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग मुमरा कौसा वाले को यही बोलना चाहते हैं कि जैसे हम लोग ईद मिलाद उन नबी की खुशियाँ करते हैं, वैसे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ भी यही खुशियाँ तक क़यामत तक मनाते रहें। सरकार की आमद की खुशी, इसमें ना डीजे वगैरह कुछ नहीं बजाएँ, ना बम वगैरह फोड़ें, जो शरई है वही काम करें, शरई के खिलाफ, शरीयत के ख़िलाफ़ एक भी काम ना करते हुए जो तरीके के ऊपर अहले सुन्नत के जमात के हिसाब से वही काम हमेशा करते रहें, और हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये ईद मिलादुन नबी हमको मनाना है और ताक अहमद तक मनाते रहेंगे इंशाल्लाह हम लोग, और आने वाली पीढ़ी भी हमारी यही काम हमेशा करते रहें। भाई एक और सवाल, आपकी कम्युनिटी का नाम हम जानना चाहेंगे और आप कितने सालों से ये सेटअप लगा रहे हो? हमारी कमेटी का नाम है KGN कमेटी देवड़ी पाड़ा रशीद कंपाउंड। हम लोग 9 साल से माशाल्लाह ये हमारा 9वां साल का प्रोग्राम है स्टेज का ये, और इंशाल्लाह ता कयामत तक हमारी कोशिश रहेगी, जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हम करके जाएंगे कि ये करते रहें इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मुमरा कौसा की आवाम से हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।